नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन और मैं हूँ आपके साथ अक्षय आनंद। देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, अलग अलग माध्यमों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब एक के बाद एक संगठन भारत बंद या बिहार बंद बुलाते हैं। आने वाले 10 सितंबर को भी भारत बंद है। इस बार भारत बंद कांग्रेस ने बुलाया है। मांगों को उठाने का यह माध्यम तो ठीक है, पूरी होंगी कि नहीं यह तो देखना होगा, मगर इस भारत बंद में जनता को भारी परेशानियों का सामना करना तो जरूर पड़ता है। परेशानी तो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से भी हो रही है, जिसको लेकर की कांग्रेस ने 10 सितंबर को भारत बंद बुलाया है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को जीएसटी के अंदर लाए, जिससे इनकी बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके। वहीं कांग्रेस के इस भारत बंद पर पूछे गए सवाल के जवाब में कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल ने कहा कि जहां एक विपक्षी पार्टी के समर्थन का सवाल है, ज़्यादातर पार्टियों ने विरोध का समर्थन किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार को जगाने के लिए और देश भर में लोगों के आक्रोश की भावना का ख्याल रखते हुए पार्टी ने 10 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। यह भारत बंद सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जारी रहेगा, जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो। कांग्रेस द्वारा बुलाए गए इस भारत बंद को बिहार में अब राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन भी मिला है। साथ ही पूर्व जदयू नेता शरद यादव ने भी लोगों को इस बंद में जुड़ने की अपील की है। खबरें हैं कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस बंद में राजद का पूरा समर्थन होगा, साथ ही राजद के नेता भी इस बंद में सड़कों पर उतरेंगे। समाजवादी नेता शरद यादव ने ट्वीट कर लोगों के इस बंद में साथ देने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि इतिहास में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। 10 सितंबर 2018 को भारत बंद का समर्थन करने के लिए देश के सभी नागरिकों से अपील करता हूं। तो कांग्रेस के इस भारत बंद में अन्य विपक्षी पार्टियां भी एक साथ हो रही हैं। कहीं ना कहीं इसको विपक्षी एकता के रूप में भी देखा जा सकता है। बिहार में तो विपक्ष एक हो गया है। राजद ने बंद के समर्थन करने की बात कह दी है, यह भी चेतावनी दे दी है कि राजद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, मतलब कि भारत बंद होना हो बिहार जरूर बंद होगा। उसके बाद शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल ने भी इस बंद का समर्थन किया है। बिहार को छोड़ के बाकी अन्य प्रदेशों के क्या हालात होते हैं, वहां के विपक्षी पार्टियां बंद में कांग्रेस के साथ होती हैं या नहीं, या तो आगे देखना होगा, लेकिन बिहार में राजद और एलजेडी साथ है। कांग्रेस का पूरा साथ देगी, 10 सितंबर को भारत बंद करने का पूरा प्रयास करेगी। लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। आप फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।